देखिए, मधुमेह के करीब 10 करोड़ लोग भारत में हैं। मधुमेह का, डायबिटीज का कैपिटल कहा जाता है इंडिया को। 10 करोड़ लोग करीब बॉर्डर लाइन पर हैं। ऐसे ही ये करोड़ों में बीमारियों की संख्या होगी और उसके ऊपर लाखों करोड़ का खर्च होता है, कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर में, कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो जो कपालभाति प्राणायाम है, ये शुगर के लिए जबरदस्त है। इसे बीटा सेल्स तो डीजनरेट हो गए थे, वो रीजनरेट हो जाते हैं। इसके साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास में, जिनका एवरेज शुगर, जो ग्लाइकोसाइडेड हीमोग्लोबिन जिसको बोला जाता है, जो करीब 3 महीने के एवरेज शुगर का जिससे पता लग जाता है, जिनकी 6 से ऊपर रहा करती थी, प्राणायाम की प्रैक्टिस से उनकी शुगर 5 के आसपास आ गई। उसको बोलते हैं डायबिटीज पेशेंट का नॉन डायबिटिक होना, कपालभाति, जिससे कि पेनक्रियास को पूरी साइंटिफिक वे में एक्सरसाइज मिलती है। दूसरा, ऐसे तो कई आसन है, मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा। एक है मंडूक आसन। मंडूक आसन में दोनों मुट्ठियां बांध करके नाभि के दोनों ओर लगा लेते हैं और श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकते हैं, तो इसमें पेनक्रियाज में आकुंचन और प्रसारण होता है, उससे पेनक्रियाज की गति व्यवस्थित हो जाती है। और मधुमेह के बहुत से कारण है, मेन कारण पेनक्रियाज है। तो श्वास बाहर छोड़ के एक पोजीशन में आधा से 2 मिनट तक रुका जा सकता है, और इस मंडूकासन को ही 10-15 बार किया जा सकता है। मंडूकासन का दूसरा अभ्यास भी है, योग मुद्रासन है, वक्रासन है, अर्धमत्स्येन्द्रासन है। और डायबिटीज का एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसमें जो है फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी और गैंग्रीन, बहुत सारी डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, वो है तो और ना हो वो कॉम्प्लिकेशंस, इसलिए साथ में अनुलोम विलोम कर लेंगे तो डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस दोनों से बच जाएंगे। अनुलोम विलोम मैंने अभी बताया, तो अल्टरनेटिवली भी दी। जी रामदेव जी, कुछ सवाल लेते हैं। जी स्वामी जी, मेरा सवाल है कि क्या शुगर आनुवंशिक रोग है या ये लाइफस्टाइल की वजह से होने वाला आज की दिनचर्या जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं? ज्यादातर लोगों को लाइफस्टाइल के कारण से ही ये बीमारी हो रही है, इसलिए इसको लाइफस्टाइल डिजीज भी कहते हैं, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की चीजों को। बाकी आनुवांशिक सभी बीमारियां होती हैं, डायबिटीज भी, हार्ट प्रॉब्लम भी, कैंसर भी, थायराइड भी, क्योंकि पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर में ये सब चीजें होती हैं और एक सेल का ही पूरा परिणाम है हमारी बॉडी, इसलिए जेनेटिक सभी बीमारियां होती, सभी बीमारियां होती, सभी बीमारियां होती।